स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। स्वच्छता, स्व से शुरू होता है यह शब्द, और यह सार्थक तभी होता है जब यह स्वयं की आदत बन जाए। 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया और 8 साल में स्वच्छता हमारी आदत का हिस्सा बन गई है। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी बने अपने सफर के कप्तान और रचे खूबसूरत कीर्तिमान। गर्व है इस अभियान से जुड़ने वाले 125 करोड़ लोगों पर। गर्व है 8 साल में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने वाले कर्मयोगियों पर। गर्व है हमें देश के सभी शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने में साथ देने वाले शहरी जनों पर। स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता ये जीवन शैली है, स्वच्छता ये जीवन मंत्र है। 8 साल में स्वच्छता का सूर्योदय सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी हुआ है। लेकिन स्वच्छता मंजिल नहीं, सफर है जो जारी है। 2021 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, जिसने साफ साफ कह दिया है गार्बेज मस्ट गो। अब हमारा लक्ष्य है कि शहरों को गार्बेज फ्री बनाना है। शहरों के ऊंचे ऊंचे कूड़े के पहाड़ों से टकराना है और उन्हें बायो रेमेडिएशन के माध्यम से हटाना है, और इसके लिए हमें इनोवेशन को अपनाना है। अब सिर्फ और सिर्फ 100% वाली सोच को लेकर चलना है। रोज पैदा होते हुए कूड़े की 100% रिसाइकलिंग करनी है, ताकि लैंडफिल साइट्स तक 1% कूड़ा भी ना जाए, और धीरे धीरे करके ये कूड़े के पहाड़ कम होते जाएं। उसी तरह यूज्ड वाटर की एक एक बूंद रिसाइकल की जाए, ताकि पानी जैसी अनमोल संपत्ति हम गवा न दें। सफाई मित्रों की सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए हम हुए प्रतिबद्ध। उनके लिए सिर्फ सम्मान ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी लाई गई है। इसीलिए तो आज मैन हो से मशीन हो बनाने की राह पर हम चल पड़े हैं। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं, हम स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आज देश का युवा भी दे रहा है कूड़े के स्मार्ट समाधान और दिखा रहा है शहरों में जमा होते हजारों लाखों टन कूड़े से गैस, खाद और बिजली उत्पन्न करने के मार्ग। तभी तो आज स्टार्टअप्स और वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री फल फूल रहे हैं। शहरों को गार्बेज फ्री बनाने का सपना बहुत बड़ा है, लेकिन शुरुआत फिर से हमसे ही होगी। कूड़ा कचरा गली मोहल्ले में नहीं, गीला कचरा, हरा और सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालने की एक और आदत हमें अपनानी होगी, और हम ये आदत अपनाएंगे ताकि हमारे बच्चे भी हमें देखकर कहें कि हमें अपने बड़ों पर गर्व है।